24 मई वर्ष 1896 में करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब के सराभा गांव में हुआ। वे एक महान क्रांतिकारी थे। 16 साल की उम्र में करतार सिंह अमेरिका चले गए। अपनी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई और वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के सदस्य बन गए। इस संगठन का मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तलवार से पहले कलम को हथियार बनाया गया। संगठन के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली गई। इसका नाम था गदर पत्रिका। गदर को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए इसे गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, पश्तो समेत कई भाषाओं में छापा गया। गदर के पंजाबी संस्करण के लिए करतार सिंह ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और गदर पत्रिका के प्रचार प्रसार में लग गए। गदर पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसके नाम पर एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम गदर पार्टी रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही करतार सिंह भारत आए और राज बिहारी बोस के साथ मिलकर क्रांति का प्रसार प्रचार करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हथियार और बम एकत्र करना शुरू कर दिया। फरवरी 1915 से अंबाला कैंट से 1857 की तर्ज पर विद्रोह करने की तैयारी की गई, लेकिन अंग्रेजों को इसकी सूचना मिलते ही करतार सिंह और उनके साथ ही पकड़े गए। करतार सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों पर मुकदमा चला और अंत में 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा को उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई।